हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर पश्चिम बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ हुए बलात्कार और हत्या के रोष स्वरूप चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में सीएमओ डॉक्टर गोपाल गोयल, डॉक्टर पालेराम कटारिया समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च नागरिक अस्पताल से शुरू होकर शहीद स्मारक पर संपन्न हुआ। चिकित्सकों ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की और हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। चिंता का विषय है। अब हम यही चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो आगे से किसी के भी साथ ना हो। किसी भी लड़की, हमारी बहन बेटी, माँ बाप, माँ भाई बहन बेटी के साथ ना हो, और जल्दी से जल्दी उसकी हमें सुरक्षा प्रोवाइड की जाए और उसको न्याय दिया जाए और कातिलों को जल्दी से जल्दी ढूंढ कर उनको फांसी की सजा दी। डॉक्टर के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता निकालना है ताकि एक भारत की बेटी, एक डॉक्टर जिसको अपने कार्यस्थल पर, कर्म क्षेत्र पर इतनी जातियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद अपने प्राण त्यागने पड़े, उसको न्याय मिल सके। और एच के अनिल के कर्मचारी सभी इसमें सम्मिलित हुए और हमें जो प्राइवेट आईएमए डॉक्टर्स की यूनियन है, एसोसिएशन है, उनकी सपोर्ट मिली और सामाजिक संगठन, विभिन्न सामाजिक संगठन जो है आज 21 सितंबर को जिला जींद के अंदर जो है एक जो कलकत्ता के अंदर जो डॉक्टर्स के साथ ये जघन्य अपराध हुआ,